पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कौन कहता था? अपने घर वालों से मत खाओ। क्या नाम था पत्नी का? फिर क्या हुआ? हमारे भाई ने मीठा पे तो पैसा दे दिया था, बोले दो पैसा तुम्हारा वाली। अब मकान ही वेट किया, मुझसे वाली अब हिस्सा लो। मैंने मकान ही नहीं तो कहा नहीं हिस्सा लेना। इस बात पर किरण भाई की हमारी अम्मी से लड़ाई पड़ाई हुई। कब हुई लड़ाई? दो तीन दिन पहले हुई लड़ाई। बोले आग लगा के तुम्हें सबको फंसवाऊंगी, और ऐसा है वैसा है। अम्मी को पढ़ा चढ़ाया, छोटे वाले भाई को फिर गुस्सा आया। पता नहीं उनने क्या करा उसके साथ में। मैं अपने काम पर गया हुआ था, छोटे वाले लोंडे ने आके मुझसे पूछा, बोले क्या नाम है? चाचा। चाचा ने मार दिया अम्मी को, अम्मी को मार दिया। मैं भागता हुआ जाके देखा तो सुबह कितने बजे की घटना है ये? सुबह 7:30 बजे की घटना। तू सुबह कितने बजे गए थे काम पे? मैं गया था 6:30 बजे काम पर। 6:30 बजे काम पे गया? 6:30 बजे काम पर गया। कहाँ की घटना है ये? सफीक नगर, गली नंबर है। ये आज प्रातः सूचना मिली थी कि थाना कटघर में, जो करूड़ा क्षेत्र रहमत नगर गली नंबर 1, उसमें एक महिला पर उसके सगे देवर के द्वारा चाकू से प्रहार किया गया। तत्काल उस महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। जानकारी करने पर ये पता चला है कि ये जो मृतका थी, इसकी सगी भाभी थी, और इसका जो सगा भाई है, जाकिर नाम है उसका, उसकी दूसरी पत्नी थी, और इनके घर में आपस में कुछ विवाद होता रहता था। और कल भी जो जाकिर है, उसकी माँ से इसकी पत्नी का कुछ विवाद हुआ था। उसी को लेके जो इसका सगा देवर गुलफाम था, आज सुबह उसको लेके कुछ इनका गतिरोध हुआ। उसी में गुलफाम ने गुस्से में आके इस महिला पर, जिसका नाम फरीन है, इस पर चाकू से प्रहार किया था, जिससे वो घायल हुई थी और जिसको अस्पताल ले जाकर उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें जो अभियुक्त है गुलफाम, उसको तत्काल ही उसकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।